किसान बिल के विरोध में सड़कों पर ट्रैक्टर से निकले तेजस्वी। किसान बिल के विरोध में शुक्रवार को विपक्ष ने भारत बंद का आह्वान किया है। ऐसे में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी ट्रैक्टर से किसानों को लेकर निकल पड़े हैं। तेजस्वी अपने आवास 10 सर्कुलर रोड से आरजेडी ऑफिस तक ट्रैक्टर चलाकर जाएंगे। तेजस्वी के साथ उनके समर्थक भी ट्रैक्टर से ही उनके पीछे पीछे निकल चुके हैं। इसके साथ ही कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने बिहार में आज के बंद को समर्थन दिया है। बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस मुद्दे पर राजनीति और तेज होने के आसार हैं। कांग्रेस, आरजेडी और जन अधिकार पार्टी के नेता आज भारत बंद के समर्थन में सड़कों पर उतरे हुए हैं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग की टीम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिसमें चुनाव के तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में बिहार की सियासत आज दिन भर गरमाई रहेगी। प्रशासन को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि चुनाव आयोग कौन सी तारीख तय करती है। हालांकि किसान बिल को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री ने किसान बिल को लेकर बुलाए गए बंद पर सख्त एतराज जताया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि यह बिल किसानों के हित में है और बिहार सरकार इस कानून को पहले ही राज्य में खत्म कर दिया था। बिहार ऐसा पहला राज्य है जहाँ नीतीश कुमार जी ने 2006 में, अरे भाई मोबाइल नीचे करो ना, 2006 में एपीएमसी को रद्द करने का काम किया, जो बाजार समितियां थी उसको खत्म करने का काम किया। यही वजह है कि बिहार का किसान और गरीब से गरीब होता चला गया और पलायन करने की स्थिति आई। हमने नीतीश कुमार जी रात में बयान देखने का काम किया, भाई मोबाइल नीचे कर ले, हर बार की तरह इस बार भी उनकी पार्टी ने नोटबंदी में हो, यूनियन हो, चाहे सीए एनआरसी हो, या चाहे किसान भी, उन्होंने जो यूटर्न जो मांगा है स्पष्ट हो गया। क्या बात है, जेडीयू के लोगों ने क्या कहा, इस विधेयक में एमएसपी का होना चाहिए। हम चीज ही पूछना चाहते कि बिहार राज्य में एमएसपी क्यों नहीं है। बिहार में ही 2006 में सबसे पहले किसान समितियों को एपीएमसी को रद्द किया गया। ये जो समर्थन आप न्यूनतम समर्थन जो मूल्य है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए, बिहार में है ही नहीं। ये क्यों नहीं है, नीतीश कुमार जी इसमें जवाब देने का काम करें। नीतीश कुमार जी दूसरों को कहते कि बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है। ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार जी ही कोई ज्ञान नहीं है, अपने आप को ही सबसे बड़ी ज्ञानी मानते हैं। हम तो कहना चाहते हैं, बताए कि जो विधेयक और बिहार में तो ऑलरेडी पहले से नहीं है न्यूनतम समर्थन जो अपना मूल्य है खत्म कर दिया गया। वही जो किसान जो है बिहार का लाचार होता चला गया, तो इसमें नीतीश कुमार जी फिर न्यूनतम Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.